हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका सावित्री की रसोई में। आज हम अपनी रसोई में बनाने जा रहे हैं मीठा बिस्किट, जिसको कुकीज भी कहते हैं। कुछ कुकीज होते हैं जिसको बेक किया जाता है और कुछ फ्राई करके भी बनाए जाते हैं। तो हम दो तरीके से आपको कुकीज बनाना बताएंगे। एक तो हम फ्राई करेंगे और दूसरा कढ़ाई में जो जैसे केक बनता है ना, नमक डाल के उस तरह से हम उसको बेक भी करेंगे। तो पहले हम एक मैदे से बनाएंगे। ये इसी कप से, एक कप मैदा है इससे बनाएंगे, और एक कुकी जो है उसको हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। ये 2 कप गेहूं का आटा है। तो सबसे पहले हम मैदे की कुकी बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ये घी जो है इतना हम इसमें घी डालेंगे। आप बटर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा, 1/2 कप घी डालेंगे। और इसी कप से पिसी हुई चीनी, एक कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। एक साथ मिला लेंगे। अगर आपके पास बीटर है तो उससे मिलाएंगे तो थोड़ा जल्दी। जल्दी मिल जाएगी। इसी स्टेज पे आप चाहें तो वनीला एसेंस डाल सकते हैं, नहीं इलायची फ्लेवर डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें इलायची भी मिला देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए हम मैदे को मिलाएंगे। मैदे और घी को एक साथ, घी और चीनी को एक साथ मिला देंगे। हाथ से अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको, इसका हम नरम डो तैयार करेंगे। थोड़ा सा हाथ में लेते हुए ताकि ये गीला ना होने पाए। चीज़ तो हम भूल ही जा रहे हैं, बेकिंग पाउडर मिलाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेक करना है तो बेकिंग पाउडर तो ज़रूर मिलाएंगे। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, ये छोटी चम्मच। इसको पहले अच्छे से मिलाते हैं, हमें आटे में ही मिला देना चाहिए। अब इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग।
ये और ये, इसको अलग रखेंगे और इसमें हम चॉकलेट पाउडर मिला के इसका अलग डो तैयार करेंगे। चॉकलेट पाउडर नहीं तो आप जो हेड एंड सीक बिस्किट आता है उसको मिक्सी में डाल के पीस लीजिए, उससे भी बहुत अच्छे से आपका बिस्किट बनके तैयार हो जाएगा। हालांकि बिस्किट वो भी होता है लेकिन आप अपने हाथ से बनाएंगे एक नए तरीके का बिस्किट बनके तैयार हो जाएगा। ये तो हमारा चॉकलेट और मैदे का दोनों का आटा लग के तैयार हो गया है। अभी हम इसको 5 मिनट रेस्ट करने देते हैं, उसके बाद फिर हम बिस्किट बनाना तैयार शुरू करेंगे। उससे पहले हम कढ़ाई में नमक रख दिया है, इसको गर्म करने के लिए हम लगा देते हैं। 10 मिनट तक हमें इसे गर्म भी करना है, अभी 5 मिनट बाद आएंगे, तब तक ये जो है ओवन की सेव ले लेगा, नीचे कढ़ाई और ऊपर से ये प्लेट भी गर्म हो जाएगी, इसके अंदर हम बेक करने के लिए रखेंगे तो अच्छे से हमारा बिस्किट बेक हो जाएगा। अब 5 मिनट हो चुके हैं, अब हमें अपनी कुकीज बनाना शुरू करना है। इसके लिए हम छोटा छोटा टुकड़ा लेंगे, इतना इसका और इतना इसका। अभी हम कैसे बनाएंगे, बराबर बराबर छोटे छोटे टुकड़े कर ले रहे हैं। अब हमें इसके गोले तैयार करने हैं छोटे छोटे। अब चारों को एक साथ मिला के हमें चार का बना सकते हो, तीन का बना सकते हो। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे किया। थोड़ा थोड़ा चॉकलेट दिखाना है, थोड़ा थोड़ा दिखाओ, ऐसे से करके हम अपने सारी कुकीज़ को बना लेंगे। एक और दिखा देते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं।
ऐसे ही मनचाही आकृति में सारे कुकीज बना के तैयार कर लीजिए। कुछ कुकीज हमने इस तरह से बनाई है और कुछ को हम ये एक जो मेरा दो था मैदे का उसको मैंने बेल दिया है और दूसरा ये चॉकलेट वाला, तो हम सावधानी से इसको इसके ऊपर रखेंगे। अब हम इसको ऐसे रोल कर लेंगे। से कुछ नहीं करना, सीधा ऐसे निकाल के और हाथ से प्रेस कर देंगे ऐसे। उससे पहले हम इस, मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इस पे हमने तेल लगा लिया है और इसको यहाँ सेट कर देंगे और बेक होने के लिए रखें। दस मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हमारा बिस्किट हुआ कि नहीं हुआ। कढ़ाई जो हीट होने के लिए रखी है गर्म हो गई है, अब इसमें हम रखेंगे एक जाली, जाली के ऊपर इसको हम सेट कर देंगे और इसे बर्तन रखना कि बिल्कुल हवा बाहर ना निकलने पाए अंदर की। अब तब तक हम इसको बना के तैयार कर लेते हैं। बस ऐसे ही किनारे से उठाइए, प्रेस कीजिए और ये तैयार। अब हम आटे की कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले इसी बाउल में इतना सा घी डालेंगे। डालने के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे, इसी कप से आधा कप पिसी हुई चीनी है इसको इसमें डाल देंगे और इसे हमें मिलाना है अच्छे से। नारियल का बुरादा है, इसमें हम आटे को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। टीस्पून यहाँ बेकिंग पाउडर डाल देंगे और वन इधर, इसका भी हमें अच्छा आटा तैयार करना है। इसके लिए हम हाथ लगाएंगे
इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। उसके बाद दूध दिया, पानी से आप चाहे दूध से इस हड्डी को लगाइए चाहे पानी से। अब हम थोड़ा थोड़ा डाल के अब इसका आटा तैयार करते हैं। 20 से 25 मिनट बाद हमारी कुकी लगभग क्या हो चुकी है। अभी अभी मैंने इसको एक बार देखा था और पलट दिया था, हालांकि पलटने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। हमारी कुकी तैयार हो गई है। एक बैच हमारा बनने में करीब 25 से 30 मिनट लगे हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम ये सेकेंड बैच इसमें हम रख देंगे, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हम निकालते हैं। हमारे सारे बिस्किट ये बन के तैयार हो गए हैं, अभी ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद अब हम सेकेंड बैच को इसमें रख दे रहे हैं और 20 से 25 मिनट इसको भी लगेंगे पकने में, वेक होने में। और दूसरी तरफ हमने आटे वाला जो कुकी बनाया है उसको रख दिया है। काफ़ी देर हो गया इसको बना के रखे इसमें। इसको हम इसे रख देंगे और ढक देंगे। गैस की फ्लेम को पहले तो आप थोड़ा हाई रखिए, 10 मिनट के बाद इसको मीडियम कर दीजिए। उसके बाद 20 मिनट से 25 मिनट तक पकाइए। इधर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सारे मैंने आटे वाले सारे कुकी बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम देखते हैं, कम हुआ है। अब इसको हम एक एक बिस्किट डालेंगे इसमें। हल्का गरम तेल, मतलब तेल बहुत ज़्यादा खौलना नहीं चाहिए, बस तेल गरम हो जाए, धीरे धीरे इसको हमें इसमें फ्राई करना है। ये हमारे कुकी तैयार हो गए हैं। इसको हम निकाल देंगे। इसी तरह से हम अपने सारे बिस्किट बना के तैयार कर लेंगे। देखिए इसमें क्रैक्स कैसे आए हैं, इसी से पता चलता है कि हमारे बिस्किट बहुत ही खस्ता बने होंगे। अब हम सारे बिस्किट इसी तरह बना के तैयार करेंगे। इधर मैंने ये सारे कुकीज तल लिए और उसके साथ साथ ये हमारे कुकीज़ भी अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। हमने तो अपना काम कर दिया, किसी की फरमाइश पे हमने ये कुकीज़ बनाए हैं। और अब आप लोग बताइए कि आपको ये कैसे लगे और मेरे वीडियो को आप लोग देखते तो हैं मगर लाइक नहीं करते हैं। बहुत कम लोग लाइक करते हैं क्योंकि व्यूज़ तो जाते हैं, लाइक बहुत कम होते हैं। ये हमारे सारे बिस्किट बनके तैयार हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल देते हैं।
अभी ये बिस्किट जो मैंने बनाए हैं ये किस तरह से टूट रहे हैं, और इसका भी हम आपको दिखा देते हैं। ये बिस्किट अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। आप सब इन कुकीज़ को अपने घर पे बना करके ट्राई कीजिए और अपने कमेंट के द्वारा हमें बताइए कि आपको ये कैसे लगे। ये सब करने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है आप लोगों को खुश करने के लिए। हमने किसी की फरमाइश पर ही कुकीज़ बनाए हैं, चाहते हैं कि ये रेसिपी उन तक पहुँचे और बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और सब अपने घर में इसको बनाएं, बना करके इसका टेस्ट अपने बच्चों को दें, कि अपने हाथों से खिलाएं बच्चों को, ताकि उनको पता चले कि घर की भी बिस्किट अच्छी लगती है, नहीं तो उनको तो केवल मार्केट का ही सामान अच्छा लगता है। आज के बाद अब घर के बिस्किट आप लोग खिलाएंगे अपने बच्चों को, तो फिर बार बार एक ही चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जानते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।